स्वागत करछी हमरे ऑनलाइन क्लास को मो प्रतिभा कर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भगराई रे आचार्य रूपरे कार्यलता तबे आज आमे चतुर्थ श्रेणी रो एक नूतन प्रसंग ऊपर आलोचना करबा को जाउछु। आमे जानिछु वृक्ष ही जीवन, वृक्ष आम जीवन रे एक सबुठारो गुरुत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण अंश। तबे एहा छोडा कोन हुए ना पृथ्वी रे आमे माने जो जीवन धारण करछु बंची रहिछु द्वारा एक वृक्ष बिना बचा असंभव हो पड़े। वृक्ष कौन पाच ना फल फूल पत्र अम्लजान गृह उपकरण जो काठ दरकार पड़े से गुड़ पाच औषधीय जिनस पाच आ सब गुरुत्वपूर्ण अम्लजान आम ये वृक्ष गोटे वृक्ष न रहिले आमर जीवन संपूर्ण भाव असंभव हो पड़े। गोटे वृक्ष मध्य रही अनुपम सौंदर्य को प्राचीन भारत मुनि ऋषि मैंने जितेबाद हृदयंगम कर पारे कि आज दूरदृष्टिविहीन लोक मैंने से बुझीपार ना तेरे कमलावती शिशुटे कमी वृक्षर महत्व तार गुरुत्व कथा केमी बुझीपार से संपर्क में बुझेवा जा नंदकिशोर बड़कर रचनाटी लिखिंट। तेरे नंदकिशोर बड़ ओडिया साहित्यर जड़े प्रसिद्ध कवि लेखक कह साहित्यर बड़ कहले नाम अनुसार बड़ ओडिया साहित्यर बड़ कहले कि भूल हम ना 1875 मसीह डिसेम्बर 22 तारीख गुरुवार कटक कुसुपुर ग्राम से नंदकिशोर बड़ जन्मग्रहण करते नाम थिला रसानंद जेना। हाँ रसानंद जेना जे कि नंदकिशोर बड़कर बाल्य नाम थिला। परवर्त समय रसानंद जेना जिते मौसी पुत्र भाव बेचित हेले मौसी जिते पुत्र भाव ग्रहण कले से नंदकिशोर बड़ बापा भजनानंद जेना माता हिरणमयी देवी जड़े कवि औपन्यासिक भाव परिचित नंदकिशोर बड़ ग्राम पल्लीर जो चित्र रही निखुण चित्र को से लेखनी मुन में परिप्रकाश करते पल्ली कवि उपाधि भूषित करणी पल्ली चित्र बसंत ककी तरंगिणी चारुचित्र निर्माल्य प्रभात संगीत संध्या संगीत कृष्ण कुमारी शर्मिष्ठा तथा गोटे उपन्यास रही जोटा सब चिरपरिचित हो कनकलता जोटा कि समस्त हृदय को छुई पारि किंतु 1928 जुलाई 1 रे तांकर जीवन दीप लिंग जाइतिला जदी ओडिया भाषा अमर तेबे तांकर कलाकृति मध्य अमर अटे। सही गच्छ कथा को नै आज आमे गोटे विषय पढ़ा प्रसंगटी नाम होची गच्छ काठुलिया। तेबे डेरी न करी मु पदरी को गान करूची रहरे काठुरिया न पकाओ हाणी सुन कान डेरी थरे ए गच्छ कहानी न फुटु पछ के बस फूल गच्छ देहे न उड़ु पछ के मधु मक्खी कासे नेहे बसी कुहु कुहु तने नव मधु काणे न गाओ ककील पछे फूल भरा डाले न फूल पछे गच्छे मीठा मीठा फल खरा बेड़े बाटई तो बसे हतल छाड़ी जाओ काठोरिया न पकाओ हाणी सुण कान डेरी थरे ए गच्छ कहानी काठोरिया न हाण से गच्छ रहर ताहाकु लगाए गले पितृ पिता मोह केते दुख सुख से जे देखी अंभर केते झियो पुओ केते जात विभागर मन पड़े पिला दिने ए हारी मुड़ाने खेल थिले मुही खेल साथी गहड़े कौन सी को निर्दिष्ट पुर्णा गछटी प्रति जने पिलार अतुट मायामता रहिछि तबे गछटी को पिलाटी रो कोन कहै छै पूर्वपुरुष लगाय जाइथिले सेई गछटी सहित पिलाटी रो बहु स्मृति जड़ित होइ रहिछि। से गछटी को जते बेले काठुरिया गछ कटाटी काटिबा को आसी छी सते बेले
पिलाटीर अंतरात्मा बिरापी उठछे से काठुरिया को बारण करछि एवं गच्छ न कटिबा को अनुरोध करी ए कविता टी सृष्टि हेछि। तबे ए कविता रो भावार्थ जानिबा, बहु पुराना काल रो कथा आमरे बड़ी जो लोक माने अछे से लोक मानको मध्यरे जो आजिरो लोक समाज रहिछि समाज रो लोक माने रहउछन्ति सेमानको दृष्टिकोण को बदलवा पई एडा गोटे भिन्न प्रयास। तो छोट ए दृष्टिकोण को बदलवा पई हेले छोट पिलाटी रो आरंभ करबा पड़े। तुम्हारे भले गोटे छोट पिलाटी केमिति गच्छ प्रति तार अंतरात्मा गच्छ काटिबा को बारण करे तार अंतरात्मा बिळापे उठिछि। देखिबा रहारे काठुरिया नपका हानी सुन कान डेरी थरे एक छक्का हानी पिलाटी काठुरिया को गच्छटी को न हानी तार से गच्छटीर आत्मकहानी सुनिबा को अनुरोध करिछि। न फुटु पछके बास फूल गच्छ देहे न उड़ पछके मधु मक्खी कासने है। कौन कहिछि पिलाटी ना ए गच्छ देहरे बास फूल सुवासित फूल न फुटु पछके छै बासना सुवासित फूल रे बासना रे चारियाड़ महकि न उठु पछके कि से फूल रो सुगंध रे मधुमक्खिका मोहमाछी न अड़ी आसि पछके किंतु तू ए गछटी को काट नहीं बसी कुहु कुहु ताने नव मधु काले। कौन कहैछि ना बसंत काल रे मोहमाछी रो गुंजन रे कौन होछि ना गच्छ तले मुखरित हेउनी न हेउ किछि असुविधा नै नगाव पकिले पछे फूल भरा डाळे ए फूल भरा गच्छर डाळरे कोइली तार मधुर स्वर रे गान न करू पछके न फळ पछे ए गच्छ मीठा मीठा फळ ए गच्छ रे मीठा मीठा फळ न फळ पछके खरा बेले बाटई तो बसे हा तळ किंतु ए सब व्यतीत खरा बेले बाटई पांथ आउ जेते बेले कौन हुए ना आम कह पथचारी पथचारी जिते बेले तार पथक्लांत को दूर करने गच्छ तले बसी पड़े सेते बेले कौन हुए ना तार समस्त क्लांत दूर हो जाए से गच्छ मूल में बसी शीतलता अनुभव करे से निजर पथश्रम तो लाभ कर गच्छ मूल में बसी पारि तेणु ए गच्छी को तू काट नहीं छाड़ी जाओ काठुरिया न पका वहाणी सुना कान डेरी थरे ए गच्छ कहानी तमे गच्छ काटिबार निवृत्त रही ए गच्छ को न काटी तमे फेरी जाओ आउ ए गच्छ कहानी संपर्क रे थरे कान डेरी सुना काठुरी नहाड़ से गच्छ रह रह ताहा को लगाई गले पितृ पितामह गच्छटी को पिलाटी रो तार जेजे बापा बापा ए माने लगाई चंती बोली से काठुरिया को कहुचि केते दुख सुख सेजे देखिछि अंभर केते झियो पुओ केते जात विभाग रो केते काल धरी ठिया हेछि ए कथा कहियाबो नै केते केते घटना से देखिछि से घटना सुदिन रो हो अबा दुर्घटना हे पारु केते लोकन को सुख दुख देखिछि से ई गछटी लोकन को सुख मते देखिछि लोकन को दुख मते देखिछि केते पुओ झियो कर बाहाघर मध्य देखिछि जानी यात्रा मध्य देखिछि मने पड़े पिला दिने हारि मूल रे खेलुतिली मुही खेल साथी घर रे मन मने पड़े मु जते बेले छटटिली सेते बेले कोन करथिली ने गच्छ मूल रे बसी खेल साथी को मोर जो सांगस अछंती मित्र अछंती बंधु अछंती से मानन को सहित मु कोन करथिली ना खेल खेलुतिली माने एतिक आम आलोचना कले तार भावार्थ तो मुझे कहली अब कठिन शब्दार्थ गुड़ी लिखि ना कठिन शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ अच्छी मधुमक्खिका अर्थ मधुमाछी वो
घरे कोकिल हमें जानी चाहिए कोयली कोकिल अर्थात कोयली जात अर्थ मेला बा जानजत्रा अर्थ रे व्यवहार कराए छी तबे साथी साथी तो जानी छी हमें संग वर्तमान केतोड़िए विपरीत शब्द लिखि नवा आमे जति कि पढ़िले से पद भितरे केते गुडी विपरीत शब्द आछि से विपरीत शब्द गुडी को आमे लिखि नवा मूल मने पड़े एहार मूल रे मूल होछि अग बाल्य वृद्ध तापर कौन होछि उत्तर आपन मते ऑनलाइन माध्यम जानी परबे से पर्यंत घर बंधु सुरक्षित रहंतु रहूछी।